हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आउट ऑफ फाइव। फ्रेंड्स, आज है मेरा देहरादून में डे टू और अरे आप प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। और डे टू है और आज मैं घूमने जा रही हूँ देहरादून का फेमस पल्टन बाजार। तो फ्रेंड्स, जैसे दिल्ली का सरोजनी नगर मार्केट है ना और लाजपत नगर मार्केट है, उसी तरीके से देहरादून में है पल्टन मार्केट। मैं एक साल पहले देहरादून रह चुकी हूँ, तो मैं एक बार पल्टन बाजार गई हूँ, सिर्फ एक बार, और आज मैं सेकंड टाइम जा रही हूँ आफ्टर सो लॉन्ग, मतलब 7 ईयर्स हो गए हैं। तो देखते हैं मार्केट, मैं आपको भी शो करूँगी कैसा है। और चलिए फिर चलते हैं मेरे साथ, और हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं, 6:00 हो चुका है। बाय बाय, हम सब जा रहे हैं गोलू के साथ में, और आरतिया जाएंगे और आरती जाएगी अपने हस्बैंड के साथ। और देखिए फ्रेंड्स, ये इनके घर का आउटर लुक है, और देखिए यहाँ पे ना प्लॉट वगैरह खाली है और पहाड़ है और सब कुछ है, मतलब बहुत अच्छा है, मतलब बिल्कुल हॉच पॉच नहीं है दिल्ली की तरह। तो फ्रेंड्स, हम ना थोड़ा रास्ते में रुके हैं बोट लेने के लिए, तब तक ना मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का मार्केट। देखिए कितनी ना आप देख रहे हैं, इवनिंग का टाइम है और रश कितना कम है यहाँ पे, बहुत कम। कौन सी जगह है आरती, कौन सी जगह है ये? गुजरावाला, रांझावाला। तो फ्रेंड्स, जो देहरादून में जो जगहें होती है ना, वो रांझावाला और गुजरावाला, डोई वाला, ऐसे मतलब जैसे दिल्ली में पूरी पूरी होते हैं ना, ऐसे यहाँ पे होता है वाला वाला। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा व्यू है, कितना पेड़ पौधे हैं, हरियाली यहाँ पे ना फ्रेंड्स, देहरादून में जहाँ भी आप जाओगे ना, आपको हरियाली ही हरियाली दिखने वाली है। और देखिए, अभी हम मसूरी से 38 किलोमीटर दूर हैं आईएसबीटी से। मम्मी, 11 खान जी, और कॉकरोच भी, और यहाँ पे जोगीवाला से 4 किलोमीटर दूर है, और इसमें ना पुल से 5 किलोमीटर दूर है। देखिए फ्रेंड्स, रास्ते में कितने अच्छे जंगल, जंगली टाइप का है, मतलब ये एक तरीके से हमारे लिए तो यही जंगल है। नो बेटा, इट्स नॉट जंगल, वो है क्या? तो यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं दौरा जी का, क्योंकि हमारा गोलू इतनी तेज स्कूटी चलाता है कि हम बहुत आगे आ चुके हैं, तो हम उनका वेट कर रहे हैं। तो आगे देखिए, हम पहुँच चुके हैं पल्टन बाज़ार पर। फ्रेंड्स, हम पहुँच गए हैं पल्टन बाज़ार, और हम ना यहाँ बाइक पार्क कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया है और बादल भी वैसे हो गए हैं काले काले, बिल्कुल ना वीडियो में तो उजाला लग रहा है। तो वेदर देखिए नाग कैसे कर रहे हैं, कैसी करी मैंने नाग, मैंने नाग कुछ में नहीं करी, नाग कैसी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये शुरू हो चुका है मार्केट, तो है ना बिल्कुल दिल्ली के सरोजनी मार्केट के जैसा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। और ये फ्रेंड्स मोती बाज़ार, शराफा बाज़ार, और सब ये बाज़ार ना आपस में ही जुड़े हुए हैं। तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं यहाँ पे, मतलब ये यहाँ पे हर फैशन है, सब कुछ है, बिल्कुल दिल्ली जैसा ही। और तो फ्रेंड्स, हम थोड़ा लेट थे ना, तो इसलिए भीड़ थोड़ा कम है, वरना यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी गलती जो हमने की कि शॉपिंग प्लेस पे हम लेके आए बच्चों को, और बच्चे बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करने देते, और मेरी बेटी तो चलने को भी तैयार नहीं थी, कि मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, इसलिए मैंने कुछ भी यहाँ से शॉपिंग नहीं की। और वैसे भी फ्रेंड्स, जब हम दिल्ली रहते हैं तो फिर क्यों हम वहाँ जाके महंगी शॉपिंग करें, जब सेम वैसा ही सामान हमें दिल्ली में मिल जाता है। और मुझे कुछ शॉपिंग नहीं करनी थी, बट मैं घूमने आई थी, लेकिन मेरा हमेशा ये रहता ना कि अच्छा कुछ अच्छा मिल गया तो मैं ज़रूर ले लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं यहाँ पे हर चीज़ की। यह है परेशान औरत, जो बिल्कुल अपने कामों से बड़ी परेशान रहती है,
इस समय इनको चिंता है डस्टबिन की। हाँ तो डस्टबिन नहीं रखा हुआ यार, डस्टबिन और इनकी जिनने वो डस्टबिन नहीं रखा। और हमारी बेटी क्या बेटा डस्टबिन दिखाओ। हाँ ये डस्टबिन तो आइसक्रीम ही पिघल गई। और ये है आरती नोटियाल जो बड़े परेशान है इस समय, पैसे उसके कट नहीं रहे हैं पैसे। ये हमारा गोलू। कई दिन से भूखे अपने बेटी के स्तर की भी खा ली इन्होंने। तो फ्रेंड्स अभी है हम मोती बाजार में। क्या मोती बाजार खत्म हो गया? खत्म हो गया। हाँ आर यू श्योर? हाँ ये सराफा बाजार है। हाँ खा ले। और फ्रेंड्स ये है पल्टन मार्केट। तो आपको कैसी लगी देहरादून की पल्टन मार्केट, शराफा बाज़ार और मोती बाज़ार? तो देखिए फ्रेंड्स सेम वैसा ही है, वैसे यहाँ पे मेहंदी लगाने वाले बैठे हुए हैं, एप्रन बेचने वाले, नाड़ा बेचने वाले, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम सरोजनी नगर मार्केट जैसा ही है। और जिस तरीके से सरोजनी नगर में बहुत चीप प्राइस के टॉप्स वगैरह हर चीज़ मिलती है, वैसे ही यहाँ पर भी मिलती है, बट उस जगह पे मैं गई नहीं। और ये देखिए फ्रेंड्स ये हम वापस घर को जाते हुए, और ये है सुंदर सा देहरादून का क्लॉक टावर। कितना सुंदर है ना, तो नाइट व्यू जो होता है ना कहीं का भी बहुत सुंदर होता है, तो नाइट में जो घूमने का मज़ा है वो अलग ही होता है, जो कि मेरे साथ बहुत ही कम पॉसिबल होता है। तो फ्रेंड्स भयंकर वाला तूफान आ चुका है, भयंकर वाला, जैसे आजकल दिल्ली में आ रहे थे ना भयंकर वाले बर्फ़ और बिजली भी कड़क रही है और बारिश हो गई आज बहुत जल्दी, तो कितना दे रहा है ना पीछे। हम घर के पास ही पहुंच गए हैं, वैसे थोड़ा ही दूर है, रोड पे है वैसे तो। और ये फ्रेंड्स फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हम घर पहुंच चुके हैं और बारिश भी स्टार्ट होने वाली है, तूफान तो भयंकर आ ही रहा है। फ्रेंड्स हम घर पहुँच गए, कैसा तूफान आ रहा है भयंकर वाला। लाइट चली गई है ना? हाँ जी देखो फ्रेंड्स यहाँ ना लाइट चली गई है।